हैलो एंडलोर टू गिव यू आंसर टू सेवन क्यू कार्ड्स इन सिंगल गो एक ही बार में मैं आपको सात क्यू कार्ड्स का आंसर देने वाला हूँ या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि आप एक ही आंसर से सेवन क्यू कार्ड्स को आंसर कर सकते हैं सो दीज ऑल क्यू कार्ड्स आर अबाउट नेचुरल प्लेसेज और टूरिस्ट अट्रैक्शन और इंटरेस्टिंग प्लेस सो हेयर आर द क्यू कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल दीज क्यू कार्ड्स आर हैविंग मैनी थिंगज्स कॉमन इसमें बहुत कुछ कॉमन है अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल क्यू कार्ड्स आर टॉकिंग अबाउट अ लोकेशन एंड अ टाइप ऑफ प्लेस विच दिस इज तो हम इसके अकॉर्डिंग हम वोकेबलरी बाद में तैयार करेंगे एंड देन ये सभी क्यू कार्ड्स आपको दूसरे नंबर पर पूछ रहे हैं कि आप किस टाइम गए या किस टाइम यहाँ जाते हो और आप क्यों जाते हो राइट सो टाइम एंड द रीज़न ऑफ विजिट एंड थर्ड थिंग these क्यू कार्ड्स आर टॉकिंग अबाउट इज these क्यू कार्ड्स आर talking अबाउट attractions. कि यहाँ पर क्या क्या वो अट्रैक्शंस हैं जिसके लिए कि आप फोटो खींचते हो या बार बार जाते हो आपको बार बार जाना अच्छा लगता है या आप गए थे या आपने खरीदा था लाइक दैट थिंग या लोग विजिट कर सकते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज जो यहाँ पर कर सकते हैं एंड एडिशनली कुछ यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस भी हैं जिनको कि हम एडिशनली आंसर करने की कोशिश करेंगे टू मेक दीज क्यू कार्ड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड हेयर आर द पॉइंट्स विच आई विल फॉलो टू मेक दिस क्यू कार्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एड अ स्टार्टिंग सेंडेंस इन ऑल और फॉर ऑल क्यू कार्ड्स बिकॉज ये सभी क्यू कार्ड्स एक जगह विजिट करने की बात कर रहे हैं तो मैं एक स्टार्टिंग सेंडेंस कुछ या जर्नल लाइन ऐसे कह सकता हूँ कि पीपल ऑफन गेट बोर्ड फ्रॉम देअर डेली लाइफ एंड टू ब्रेक दिस मोनोटोनी दे लाइक टू विजिट एनी पीसफुल प्लेस तो ये आप सिंपल सेंटेंस हर एक क्यू कार्ड के अंदर यूज कर सकते हैं फिर दूसरे नंबर पे मुझे लोकेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेस के बारे में बात करनी है तो इट कैन बी एनी प्लेस विच इज लाइंग इन लैप ऑफ नेचर यानी कि कुदरत की गोद में है या वो आउटस्कट एरिया ऑफ सिटी शहर के बाहर के एरिया में लाए करती है या वो अवे फ्रॉम हसल एंड बसल है शहर के एक शोर शराबे से दूर है या वो किसी रिमोट या डिस्टेंट लोकेशन पे लाई करती है ऐसी जगह को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ ई एडजेक्टिव यूज कर सकता हूं मैं कह सकता हूं कि प्लेस आर पिक्चर्स क्यों पिक्चर है कोई रिवर बैंक हो सकता है फॉरेस्ट हो सकता है कंट्री साइड हो सकती है और सी बीच हो सकता है जहां पर कि आप रिक्रिएशन कर सकते हैं या इट कैन ऑल्सो बी अम्यूजमेंट पार्क और अस्टोरिक मॉन्यूमेंट और अ रिलीजियस प्लेस राइट right? जहाँ पर कि आपको बार बार जाना अच्छा लगता है या जहाँ पर आप गए एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यू हर टू टॉक अबाउट टाइम एंड द रीज़न ऑफ विजिट तो आप ऐसी जगह पर वीकेंड्स पे जाना आपको अच्छा लगेगा या वोकेशन के अंदर हॉलीडेज के अंदर जाना भी अच्छा लगेगा और आप क्यों जाएंगे आप जाएंगे बिकॉज यू वॉन्ट रिज्युविनेशन यानी कि रिफ्रेशमेंट आप करना चाहते हैं आप इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं या आप रीयूनियन करना चाहते हैं मतलब कि ऐसी जगह पर घूम के आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दैट्स वायरी यूनियन आई हैव रिटन और द मोस्ट इंपॉटेंट थिंग पीपल वाई गो टू सच प्लेस इज दे वॉन्ट टू डिजिटली डिटाक्स दमसेल्फ मतलब कि वो एक कैंपिंग साइट पर मान लीजिए चले गए या किसी एक डिस्टेंट किसी कंट्री साइड पर चले गए जहाँ पर बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से दूर वो रहकर इन लैप ऑफ नेचर वो इंजॉय कर सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स यानी कि डिजिटल ऑल सोर्सेज से दूर रहना और दे वॉन्ट टू मेडिटेट और दे वॉन्ट टू चैंट नेम ऑफ गॉड एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्ड खासकर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर लोग ऐसा सब कुछ करते हैं एंड देन जो अगला पॉइंट है वहाँ पर हमको अट्रैक्शंस की बात करनी है एक्टिविटीज़ की बात करनी है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा हूँ आप वो सभी एक्टिविटीज़ अपने क्यू कार्ड के अकॉर्डिंग आप उठा सकते हैं बहुत सारी लेजर एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जैसे कि गोल्फ़ खेली जा सकती है डाइविंग की जा सकती है बोटिंग साइट सींग शॉपिंग सर्फिंग ऑन वेव्स जैसे कि एक वो एक वो फट्टा सा लेके वेव्स के ऊपर वो ट्रैवलिंग सी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सर्फिंग ऑन वेव्स और रेलिश लोनलीनेस यानी कि उनको एकांत में रहना अच्छा लगता है सो दैट इज कॉल्ड एंजॉइंग लोनलीनेस या वो मेडिटेट करते हैं वो बर्ड वॉचिंग करते हैं या वो रिवर राफ्टिंग करते हैं वो बंजी जंपिंग करते हैं वो राइड्स लेते हैं मान लीजिए अम्यूजमेंट पार्क है तो वहां पर राइड्स वगैरह होती हैं या पॉजिटिव वाइब्स हैं जो कि वहाँ पर लोगों को मिलती हैं डेट्स फाइव पीपल गेट अट्रैक्टेड एंड पीपल विजिट सच प्लेसिस अगेन एंड अगेन दे गेट पीस ऑफ माइंड दे कैन पे ऑबिसंस यानी कि वो मत्था टेक सकते हैं मान लीजिए अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं वो और डिप इन होली पौंड मान लीजिए हरिद्वार जा रहे हैं या हरिमंदर साहिब जा रहे हैं सो दे कैन डू ऑल सच थिंग्स। एंड गाईज फाइनली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्यू कार्ड वी आर ऑल्सो गोइंग टू एड दिस एडिशनल क्वेश्चन एंड फॉर आंसरिंग दीज़ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू सम आइडियाज सो हे आर आइडियाज फॉर ऑल दिज क्यू कार्ड्स वन बाई वन मान लीजिए जो सबसे पहला क्यू कार्ड है हाउ यू न्यू दिस प्लेस आपको इस प्लेस के बारे में कैसे पता लगा कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉन फॉर नेचुरल सीनरी या ये एक रिनाउंड है आ, ब, हिल स्टेशन के तौर पे या क्वींस ऑफ हिल्स जैसे कि मान लीजिए मसूरी की बात करेंगे आप ये कह सकते हैं अब एक और क्यू कार्ड है जिसमें कि आपको बताना है कि प्लेस वेयर यू हैव हाँ टेकन फोटोज़ मोर देन वंस वहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं फैमिली के साथ जाते हैं आपकी कोशिश होती है कि फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ जो वहाँ पर सीनिक व्यूज़ हैं उनको कैप्चर करना है मेमोरीज बनानी है या अदरवाइज आपको बहुत ही शौक़ है सोशल मीडिया पर पिक्स को अपलोड करने का तभी आपको बार बार नई पिक्स की ज़रूरत पड़ती है तभी आप ऐसी जगह पर जाके पिक्स खींचते हैं और वो आप अपलोड करते हैं और आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन लाइक्स वगैरह मिलती हैं एंड द नेक्स्ट क्यू कार्ड है जो कि बता रहा है इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव बीन विद योर फ्रेंड सो फॉर क्वेश्चन हु यू वेंट विद तो आप इजीली यहाँ पर कह सकते हैं कि वेंट विद फ्रेंड्स एग्जाम्स के बाद गए थे या फैमिली के साथ गए थे वोकेशन के अंदर या वीकेंड पे सो इजिली दैट पॉइंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट सो वन क्यू कार्ड इज सेग एक्सप्लेन वाई यू थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव देयर क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल क्यू कार्ड है जो कि यहाँ पर बात कह रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह पर जाना आपको अच्छा लगता है जहाँ पर कि थिंग्स बहुत कॉस्टली हैं सो वट कैन बी द रीज़न द रीज़न इज़ क्योंकि ये जगह बहुत दूर पड़ जाती है और वहाँ पर गुड्स को पहुँचाने के लिए डिफ़िकल्टी होती है कोई वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है मान लीजिए कोई हिल टॉप स्टेशन है तो वहाँ पर ईजिली कार्स वगैरह या फोर व्हील ड्राइव तो वहाँ पर पहुँच नहीं सकती तो जो ओनली मीन्स ऑफ टेकिंग गुड्स है वो थ्रू एनिमल्स या थ्रू मैन पहुँचता है वहाँ पर और या एक हम ये भी कह सकते हैं कि यहीं वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके लिए ये अर्निंग्स तो दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई की वहां पर जो सर्विस हैं या वहां पर जो गुड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है स्टार्ट टिल एंड ऑफ यूर क्यू का टॉपिक एंड आई होप दीज आर क्वाइट एनफू स्कोर वेरी वेरी गुड बैंड इन यूर आयल स्पीकिंग ऑफ मीड इन नेक्स्ट वीडियो